महात्मा गांधी की 150वीं जन्मशती और नेल्सन मंडेला शांति दशक के मौके पर सृजन द स्पार्क संस्था और साई वुमन एंड चिल्ड्रन सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में देश में पहली बार विश्व शांति का संदेश लेकर एक कार रैली निकाली जाएगी। ये कार रैली अहमदाबाद से लंदन तक जाएगी, जिसमें देश भर से 30 लोगों का काफिला साबरमती वर्ल्ड पीस कार रैली के रूप में लंदन के लिए निकलेगा। रैली साबरमती से शुरू होकर 15 देशों के करीब 150 शहरों से निकलते हुए 17,000 किलोमीटर की यात्रा कर 15 अगस्त को लंदन पहुंचेगी, जहां भारतीय ध्वज फहराया जाएगा। रैली में आर्मी, नेवी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और पुलिस विभाग के जांबाज शहीद सैनिकों के 5 बच्चे भी हिस्सा लेंगे। रैली को लेकर सोसाइटी के बीएम सूद ने डीजीपी कपिल गर्ग से मुलाकात की। इस दौरान गर्ग ने इस रैली में सूद को राजस्थान पुलिस की सहभागिता के निभाने की बात कही। शांति यात्रा निकाली जा रही है, कहां से निकाली जाएगी, क्या बेसिकली इसका पूरा ऑब्जेक्ट है और कहां तक रहेगी? ये शांति यात्रा महात्मा गांधी की जो हम 150वीं जयंती मना रहे हैं, उसी के संदर्भ में यहां से गांधी आश्रम अहमदाबाद से निकलेगी और ये अंबेडकर हाउस लंदन 15 कंट्री में से होके 150 मेजर सिटी में से होके ये अंबेडकर हाउस में 12 अगस्त को समापन होगा इसका, और 15 अगस्त को हम लोग ध्वजवंदन करेंगे अंबेडकर हाउस में। इसका रूट रहेगा अहमदाबाद से हम लोग जयपुर आएंगे, जयपुर से गोरखपुर, गोरखपुर से नेपाल होते चाइना, कजाकिस्तान, रशिया, बेलारूस, पोलैंड, पूरा यूरोप होके, जर्मन होके फिर लंदन।